अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ सीरीज़। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, मतलब समझ जाइए कि आप मैथ में जीरो हैं, आपको मैथ कुछ नहीं आता है। मैं एकदम आपको जीरो से उठा के लेके चलने वाला हूँ इस बेसिक मैथ सीरीज़ में। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और जिनका थोड़ा मैथ अच्छा है बेसिक, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, बेसिक मैथ सीरीज। तो ये सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो जी, अगर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो फिर आप उसे मतलब पढ़ नहीं सकते अच्छे तरीका से। बात समझ आ रही है? तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मैथ सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जी, नंबर सिस्टम में जितने भी चीज़ हैं, आपका डिजिट, नंबर, न्यूमरेशन, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब जितने भी हैं, यूनिट नंबर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जोड़ बड़ा हल्का है, घटाओ बड़ा हल्का है। अरे जोड़ में हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे, दशमलव वाला, ठीक है, दशमलव का जोड़, और भी बहुत सारा सा जोड़ में होता है। घटाओ में भी हम लोग पॉइंट वाला घटाओ पढ़ेंगे, बड़े बड़े घटाओ पढ़ेंगे। ठीक है, गुना पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, भाग में तो बहुत सारा आपको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, फिर आपको साइन रूल पढ़ाया जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, कब गुना होगा, कब जुड़ेगा, कब घटेगा। ठीक है, आपको एलसीएम में से पढ़ाया जाएगा, रोमन नंबर पढ़ाया जाएगा, बाइनरी नंबर पढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे आपको, फिर यूनिटरी मेथड, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से हमारा बेसिक मैथ सीरीज। तो यूँ समझिए कि आज आपका जन्म हुआ है मैथ को सीखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज बिल्कुल ही शुरू से। अच्छा, आप बताइए जरा, आप कितना भी बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो कोई भी नंबर हो उसको लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, जरा आप दिमाग लगाइए। मैं आपसे बोल दूँ, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो आप कुछ देते हैं, 96 99 95 कुछ इस तरह। ठीक है, 10 डिजिट का, इंडिया में है हम लोग, तो इंडियन मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है जी, 10 डिजिट का। तो जितने भी नंबर हैं, या दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, वो किससे मिलकर बनता है? यही 10 को जो चीज़ दिख रहा है आपको, 10 जो सिंबल दिख रहा है, 1 से लेकर 9, 9 गो और 1 जीरो, कुल मिला के ये कितने कितने हैं, ये 10 है। इन्हीं 10 सिंबल को, इन्हीं 10 चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अंक बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 1 से लेकर 9, 9 गो और 1 जीरो। ठीक है, तो आप दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर लिखना होता है, तो आप इन्हीं 10 गो, ये जो सिंबल दिख रहा है, यही 10 सिंबल का यूज करके आप लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है कब इसके अलावा आप कुछ जानते हो, जानते हो तो बता दीजिए भाई, टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10। तो इन्हीं 10 सिंबल को, ये जो 10 चीज़ दिख रहा है, इन्हीं 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, नंबर क्या होता है, संख्या। ठीक है, या संख्याएं बोलिए, संख्या बोलिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिजिट्स के ग्रुप को हम लोग संख्या कहते हैं। डिजिट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे मुझे लिखना है 925, 925, 925 एक नंबर है, आपको पता है पहले से। 925 किससे मिलके बना है? 3 गो डिजिट से मिलके बना है, 1 2 और 3, 3 गो डिजिट से मिलके क्या बना हमारा? 925 एक संख्या बना है। तो 925 जो भी है हमारा, ये किसका समूह है? देखिए तो 9 लिए 2 लिए और 5 लिए, अंकों का समूह है, डिजिट्स का ग्रुप है। तो डिजिट्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। 15 भी क्या है आपका? एक संख्या है। देखिए तो इसमें 2 गो डिजिट आ गया, 15। 1035, ये भी क्या है आपका? एक संख्या है, डिजिट्स का ग्रुप है कि नहीं? 1 2 3 4 गो डिजिट मिलकर बनाया है ये हमारा 1035। तो डिजिट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। कुछ भी आप लिख दीजिए, वो क्या है? संख्या है। अच्छा, आप बताइए जरा, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मान के चलिए सामने वहाँ रोड है, हालांकि रोड नहीं है, ये तो मेरा रूम है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इंसान जा रहे हैं या आदमी जा रहे हैं। ठीक है, उस वाले रोड से एक अकेला बंदा जा रहा है, तो क्या वो इंसान नहीं है क्या? वो भी इंसान है कि नहीं? तो सेम वही, 2 गो डिजिट है तो नंबर कहला रहा है, 3 गो डिजिट है तभी भी एक नंबर कहला रहा है, 4 गो डिजिट है तभी भी एक नंबर कहला रहा है। अरे भाई, अगर सिर्फ 5 है तो क्या ये एक नंबर नहीं है?
नंबर है, अभी भी ये क्या है, नंबर है। ऐसा नहीं है कि अकेला है तो ये सिर्फ अंक है, ये नंबर भी है, ठीक है। अब बात समझ आई, तो अकेला भी रहेगा ना कोई डिजिट, तभी भी वो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। 5 भी एक क्या है, संख्या, एक नंबर है। बात समझ आई, तो जरूरी नहीं है कि 2 गो 3 गो 4 गो डिजिट का रहना ही जरूरी है संख्या के लिए, अकेले भी रहेगा तभी भी वो क्या कहलाएगा, नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। तो नंबर कुछ नहीं होता है, डिजिट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। न्यूमरेशन क्या होता है, तो देखो जी, किसी नंबर को शब्दों में लिखने का जो तरीका होता है ना, किसी नंबर को वर्ड्स में लिखने का जो तरीका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेशन कहते हैं, संख्या नाम। जैसे मैं देखिए, मुझे लिखना है 38, तो इसको मैं वर्ड में लिख दे रहा हूँ 38, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाता है न्यूमरेशन। मुझे लिखना है 105, तो अगर मैं 105 कुछ वर्ड में लिख दूँ 100, ठीक है, 5, तो यही हमारा क्या हो गया, ये न्यूमरेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। किसी संख्या को, किसी नंबर को शब्दों में, वर्ड्स में लिखने का जो तरीका होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं, संख्या नाम। नोटेशन क्या होता है, तो किसी संख्या को, किसी नंबर को अंकों में लिखने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसे हम लोग नोटेशन कहते हैं। जैसे मुझे लिखना है 45, तो 45 को अंकों में लिख दीजिए 4 और 5, यही कहलाएगा नोटेशन। हम 125 लिखना है, तो इसको अंकों में लिख दीजिए डिजिट्स में 1 2 5, ये 125 हो गया, यही कहलाएगा आपका क्या, नोटेशन। तो किसी भी नंबर को अंकों में लिखने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसे हम लोग बोलते हैं नोटेशन, संख्यांकन। और शब्दों में लिखने को, वर्ड्स में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमरेशन, संख्या नाम, ठीक है। इससे आप क्या करिए, अपने कॉपी में एकदम डिटेल्स के साथ उतारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे तरफ। अब बात आ रही है कि एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है, ठीक है, एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। इस तरह पता करना है हमें, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आपके आसानी के लिए। एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें यहाँ, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह करके इस टेबल को क्या करना, हमें तैयार करना। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले मैं आपको बता दूँ, एक डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। बहुत सारे बुक जो है ना, एक डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अच्छा आप बताइए टोटल डिजिट कितना है, ये 10 गो है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 0, क्या है, 0। तो बहुत सारा बुक जो है ना, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0 लिखता है, ठीक है, और बहुत सारा बुक एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को 1 लिखता है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, तो 0 ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। हालांकि जब मैं अभी नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ाऊंगा आपको, अब वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, अगर होल नंबर की बात होगी तो एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर 0 हो जाएगा, और अगर नेचुरल नंबर की बात होगी तो एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीजर की बात होगी तो वहाँ एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपका हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा, -9। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसको डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो सिंपल आप इतना याद रखिए, एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, क्या है, 0। आप देख के यहां से बता सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 0। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। मैंने 1 से लेके 1000 तक यहाँ काउंटिंग नंबर, गिनती लिखा हुआ है, अभी बीच में डॉट 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 है तो आप समझ जाइए, ठीक है। अब 1 से लेके 1000 लिखना पॉसिबल तो है नहीं, 1 घंटा उसी में लग जाएगा। अच्छा, एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 9 पे, कहाँ पे खत्म हो रहा है जी, 9 पे। अब यहाँ से शुरू हो जा रहा है 10 11 12, 9 के बाद से क्या शुरू हो रहा है, 10 11 12, ये सब 2 डिजिट का है, कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। और 2 डिजिट का जो सीरीज है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से चल के चल के चल के आ गया है आपका कहाँ तक, कहाँ तक, 99 तक, कहाँ तक, 99 तक। 10 भी 2 डिजिट का है, 11 भी 2 डिजिट का है, 98 भी 2 डिजिट का है, 99 भी 2 डिजिट का है, हाँ 100 अब 3 डिजिट का हो गया। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है जी, 10 से लेके 99 तक। सबसे छोटा कौन है 2 डिजिट का, 10 है, क्या है भाई, 10 है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। उसी तरह
अब 3 डिजिट का चालू हो गया। 100 कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। 101 कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का नंबर कहाँ तक चल रहा है भाई? 999 तक। 999 के बाद तो 1000 आ रहा है जो कि 4 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का जो नंबर है ना, 3 डिजिट का नंबर, ये कहाँ से कहाँ तक चल के आ रहा है? 999 तक। 100 से लेके 999 तक। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 3 डिजिट वाले में? 100। 3 डिजिट वाले में सबसे छोटा कौन है? 100, 101, 102, 999 तक में सबसे छोटा कौन है? 100। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100। अब यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है। देखिए, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर 0। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, एक पे 1 गो 0। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, एक पे 2 गो 0। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, अरे एक पे 3 गो 0। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, एक पे 4 गो 0। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो एक पे 5 जीरो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो एक पे 9 गो 0। अगर मैं आपसे पूछ दूं 50 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो आप ध्यान दे बोलिएगा क्या? एक पे 49 गो 0। बोलिएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये तो पैटर्न बन गया। आप पैटर्न से निकाल सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ दे क्या कि अगर 20 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बता दो, तो आप उससे क्या बोलिएगा? एक पे 19 गो 0 बैठा दो, अगेन लो कितना है। ठीक है, आपको गिन के नहीं बताना है कि वो इतना लाख इतना करोड़ है, उस पे छोड़ देना है। चलो आगे देखो जी। अब हम लोग खोजने वाले हैं ग्रेटेस्ट नंबर। कौन नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, गिनती लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 डिजिट का जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक सबसे बड़ा कौन है इसमें? 9। इसके बाद तो 2 डिजिट का चालू हो जा रहा है ना, 10। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई? 9 है। क्या है? 9। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए आपको। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है पहले ये पता करिए। 10 11 12 13 कहाँ तक है भाई? 98 99 तक। 10 से लेकर 99 तक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 99 है। कौन है? 99। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 99 है। उसी तरह, और 3 डिजिट का हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से कहाँ तक है भाई? 100 से शुरू हो रहा है। 100, 101, 102। देखो 100 में 3 को डिजिट है कि नहीं? 1 2 3। तो ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो 3 डिजिट के नंबर कितने हैं? 100, 101, 102। कहाँ तक है? 998, 999 तक। 999 के बाद 1000 आ रहा है जो कि 4 डिजिट का है ना। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 100 से लेकर 999 तक। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 999। अब यहाँ से भी एक पैटर्न बन गया हमारा। क्या? देखिए, 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 2 गो 9। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 3 गो 9। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, अरे भाई 4 गो 9। कौ गो नौ? 4 गो 9। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, अरे भाई 5 गो 9। कौ गो नौ? 5 गो 9। उसी तरह मैं आपसे पूछ दूं कि 10 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 10 गो 9। ठीक है, कोई पूछ दे आपसे क्या 50 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 50 गो 9 लिख देना। ठीक है, और गिन के नहीं बताना है, तो आप फिर वहीं पे क्या हो जाएगा? नाच के गिर जाइएगा। अरे भाई 50 डिजिट का 50 बार 9 लिखिएगा, उसको काउंट करेगा आप, खूब से खूब कितना पढ़ोगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम संघ 10 संघ महासंघ। महासंघ में कितना होता है? 1 पे 19 को 0 होता है, और वहाँ 50 गो 9 की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? तो उतना गिनने की जरूरत नहीं है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब जो है ना अजान की टाइम हो गई। फिर मिलते हैं अगले क्लास में और डिटेल्स के साथ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, आप अपने छोटे भाई बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें दिखाएं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी मैथ एकदम पूरे बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर मजबूत करना है आपको भी, तो आप भी अपना मैथ अभी से भी क्या कर लें? मजबूत कर लें। वक्त जो है गुजरा नहीं है, जब उठे तभी सवेरा, आप तो सुने ही होंगे। तो क्यों ना आपका सवेरा, आपका जो सवेरा है, मॉर्निंग है, आज ही से स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।